नमस्कार, मैं आपका अपना नितिन विजय फिर से एक बार आया हूँ। आपसे वादा करा था छोटे छोटे वीडियो लेके आऊंगा, काम के वीडियो लेके आऊंगा। हमारे साथ बने रहिए ताकि जो भी अनुभव आज तक का हमारे पास है वो हम आपके साथ शेयर कर पाएं और आपके सपनों को पूरा करने में हम मदद कर पाएं, जिसके लिए हम कटिबद्ध हैं। बात ज्यादा ना करते हुए, टाइम खराब ना करते हुए, आज का विषय है क्या कैलकुलेशन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। हाँ प्यारे बच्चों, एग्जामिनेशन में कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट आते हुए, सवाल समझ में आते हुए अगर कैलकुलेशन गलती कर दी तो अपने नंबर नहीं आएंगे बल्कि समय भी खराब होगा। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि किसी भी सवाल को सही करने की 3 प्रक्रिया है। आज हम उस प्रक्रिया के आखिरी पार्ट को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि क्वेश्चन पढ़ना और उसे समझना पहली प्रक्रिया, उसको समझकर कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना ये सेकंड प्रक्रिया, और कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर कर कैलकुलेशन सही से करना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आज हम तीसरे पड़ाव की बात कर रहे हैं कि सर कैलकुलेशन पे कैसे ध्यान दें, कैलकुलेशन कैसे अच्छी करें, कैसे उसे तेज करें। मैं आपको पहले उसकी कॉमन मिस्टेक्स बताता हूं कि कैलकुलेशन में मिस्टेक क्या करते हैं जनरली बच्चे, अपन समझें। कैलकुलेशन में जनरली वो मिस्टेक करते हैं, एक तो लैक ऑफ फोकस। अगर आपका सवाल करते वक्त फोकस नहीं है तो कैलकुलेशन आपकी सही नहीं हो सकती। आप 2 × 3 9 लिख सकते हो जबकि 6 लिखना था। क्लैरिटी अगर नहीं हुई तो गड़बड़ होगी, यानी कि फोकस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा सर, हम सर सिली मिस्टेक कर जाते हैं। पहली बात हमने बोला लैक ऑफ फोकस हो गया। दूसरी बात, अगर मैं आपको एक कॉमन मिस्टेक्स में अगर मैं आपको बच्चे के बारे में बात करूं तो वो गलती क्या करते हैं, वो कभी भी कैलकुलेशन मन में करने लगते हैं। मैं मानता हूं कि अगर हमें कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ानी है तो हमें मन में कुछ बेसिक फॉर्मूले या बेसिक मल्टीप्लीकेशन करने आने चाहिए, पर शुरुआत में ये करने की जरूरत नहीं है। ये वैसी ही बात है जैसे कि मैंने एक्यूरेसी और स्पीड के बारे में बताया। एक्यूरेसी और स्पीड कैसे लानी है उसके लिए अलग वीडियोज बनाए हैं। सवाल कैसे पढ़ना चाहिए इसके लिए वीडियो अलग बनाए हैं। जरूर हमारे साथ बने रहिए, आपको वीडियोस मिलते जाएंगे और आपके लिए फायदा होता जाएगा। खैर, मैं बात कर रहा था कि भाई कैलकुलेशन में क्या गड़बड़ हो रही है। सर हम क्या करते हैं कई बार कि हम मन में ही ज्यादा कैलकुलेशन करने लगते हैं, उसे लिखते नहीं है। ध्यान दें कि आपकी कैलकुलेशन अगर आपको तेज करनी है तो आपकी शुरुआती दौर में उसे लिखने की हैबिट होनी चाहिए। याद रखो, अगर आपने स्पीड में लिखने की हैबिट डाल ली तो आप छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स अवॉइड कर जाओगे। जैसे कि मान लीजिए 1/x का आंसर आया 2 और ऑप्शन में मिल गया 2, तो आप 2 ही टिक लगा दोगे जबकि आंसर लिखना था 1/2, क्योंकि आपने लिखा नहीं है, मन में करा, मन में आंसर आया 2, आप भूल गए इधर की तरफ की 1/x था। पर अगर आपने लिखा है 1/x = 2 तो आपको याद रहेगा कि x इक्वल टू हाफ आंसर है। अगर आपको पहला आंसर 2 मिल गया तो विश्वास मानो आप 2 टिक लगा दोगे। तो दूसरी बात जो अपने को ध्यान में रखनी है कि अगर हमें सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है और कैलकुलेशन को फास्ट करना है तो लिखने की तेज तेज स्पीड होनी चाहिए। कई बार हम गलती करते हैं, हमारा प्री डिटरमाइंड माइंड होता है। यूनिट्स में कई बार हम गलती कर देते हैं कि पता लगा कोई और यूनिट देनी थी, हमने कुछ और दी। पूछा आंसर एमएम में था, हमने सेंटीमीटर में दे दिया, क्योंकि हमारा प्री डिटरमाइंड माइंड है, अरे इस सवालों के आंसर तो सेंटीमीटर में आते हैं। तो आपको अपनी इस हैबिट से बचना है, प्री डिटरमाइंड माइंड, कि प्री डिटरमाइंड आंसर याद नहीं रखने हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में प्री डिटरमाइंड आंसर याद रखने से फायदा नहीं बल्कि सिली मिस्टेक्स का नुकसान हो सकता है। ओके सर, ये बात तो सर हमें समझ आई। अगर आप बहुत ध्यान से समझो तो मैं एक अगली स्टेप आता हूं। सर ये कॉमन मिस्टेक्स हैं, ये मिस्टेक्स हम करते हैं, सर इन्हें करें कैसे, ध्यान से देखें। फोकस बढ़ाने के तो अपने अलग अलग तरीके हैं। पहले हम कैलकुलेशन को समझें। कैलकुलेशन की अगर अपन वास्तविकता में बात करें तो कैलकुलेशन को अपन तोड़ सकते हैं बेसिक कैलकुलेशन में, अप्रोक्सीमेशन में, और इसके बाद अगर आप इस तरह के एग्जामिनेशन में हैं तो आपको यूनिट्स का ध्यान रखना होता है। पर इसके 2 मेजर हिस्से, बेसिक कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए। आपने फॉर्मूला लिख लिया, कंसेप्ट अप्लाई कर लिया, पर अगर बेसिक कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, मैं कोई बेसिक कैलकुलेशन फास्ट कैसे करनी है इस पर कोई लेक्चर नहीं बनाया है। उस पर बहुत लेक्चर अवेलेबल है, बहुत वीडियोज अवेलेबल है। वैदिक मैथ से आप फास्ट कर सकते हो, आपके बहुत सारे ऐसे वीडियोज मिल जाएंगे जिसमें 1 से लेकर 100 तक की गिनती आप 3-3 सेकंड में, 30-30 सेकंड में लिख सकते हो, एक एक मल्टीप्लीकेशन को लेकर। मल्टीप्लीकेशन कैसे फास्ट करना है, बेसिक फॉर्मूले अपने को याद होने चाहिए फटाफट। अपने को पाइथागोरस ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए, 3-4-5, 5-12-13, इस तरीके के अपने को ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए। अपने को 1 से लेकर 20 तक की टेबल याद होनी चाहिए। अपने को 1 से लेकर 32 तक के स्क्वायर रूट याद होने चाहिए। अपने को 1 से लेकर 20 तक के क्यूब रूट याद होने चाहिए। हाँ, अपने को ये बातें याद होनी चाहिए। अपने को 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर भी याद होने चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें जो आपको अगर याद होंगी तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी।
बेसिक कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए बेसिक बात है कि आपको बेसिक फॉर्मूले मल्टीप्लिकेशन टेबल्स याद होनी चाहिए और ट्रिक्स भी आनी चाहिए। मैं ट्रिक्स सिखाने के लिए नहीं आया हूं, उनकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए आया हूं। बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो वीडियोस में अवेलेबल हैं, आप उन्हें देखिए और सीखिए। अप्रोक्सीमेशन का ध्यान रखिए, याद होना चाहिए। क्या मैं 1000 में से 1 को नेगलेक्ट कर सकता हूं? हाँ। क्या मैं 100 में से 10 को नेगलेक्ट कर सकता हूं? नहीं। ये बातें प्री डिटरमाइंड मन में सेट होनी चाहिए कि ये वाली चीज हां और ये वाली चीज ना। यहां पर प्री डिटरमाइंड माइंड की आपको जरूरत है। ओके सर, बात तो सर आपकी सही लगी। तो कैलकुलेशन इंप्रूव करने के लिए आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, और इसका सबसे बड़ा हथियार जो आपको लाना पड़ेगा वो तो आप कुछ भी इसमें नहीं कर सकते, कुछ कोई विकल्प नहीं है इसका, प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस नहीं करी तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी होना संभव नहीं है। प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके सर, सर प्रैक्टिस कैसे करें? सर हमने तो चैप्टर पढ़ा ही नहीं। मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे किसी ने बहुत खूब कहा है, बहुत बड़े बड़े लोगों ने बात कही है और बार बार कही है कि भाई अगर मुझे पेड़ काटना हो और 6 घंटे मुझे मिले तो मैं 4 घंटे उसकी धार तेज करूंगा, तब मैं 2 घंटे पेड़ काटूंगा और मुझे पता है कि मैं काट लूंगा। ये वैसी ही बात है, अगर सवाल सही करने हैं तो कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए, और कैलकुलेशन तेज होने के लिए प्रैक्टिस होना जरूरी है। सर प्रैक्टिस कैसे करें? यानी कि रोज 15 मिनट हमें अपनी प्रैक्टिस को कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए देने चाहिए। सर कैसे करें प्रैक्टिस? ध्यान से सुनो, आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जिसकी तैयारी कर रहे हो, जेईई नीट या कोई भी और, उनके भले आप 11th के बच्चे हो, आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए, उनमें फॉर्मूले दिए होते हैं, उनके सॉल्यूशन को देखिए। सवाल से हमें कोई लेना देना नहीं, उनके सॉल्यूशन को देखिए। मान लीजिए उसमें दिया हुआ है कि लैम्डा डी बाई डी, और लैम्डा की भी दे रखी है, डी की भी दे रखी है, और छोटे डी की भी दे रखी है। मान लीजिए मैं फिजिक्स का टीचर हूं इसलिए बात कर रहा हूं, उनको डाल के आंसर मैच करा के देखिए, भले आपको फॉर्मूला ना आता हो तो भी। क्या हम रोज 15 मिनट ऐसा कर सकते हैं? और कैलकुलेशन भी वही करेंगे जैसी हमारे एग्जामिनेशन में आ रही है, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के सवाल ही ले रहे हैं। हाँ सर, ऐसे रोज 15 मिनट प्रैक्टिस करनी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा, कई बार बच्चों की कैलकुलेशन तब भी धीरे हो जाती है जब वो उनकी हैबिट होती है एक्यूरेट करने के चक्कर में, बहुत एक्यूरेट करने के चक्कर में एक ही कैलकुलेशन को बार बार चेक करते हैं। मान लीजिए 28 × 7 करना था, बार बार चेक करेंगे, या कुछ और लिखना था फिर बार बार चेक करेंगे। कॉन्फिडेंस रखिए कि एक ही बार में मैं सही आंसर ले आऊंगा। बार 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 चेक करने की हैबिट आपकी स्पीड को बहुत स्लो कर लेगी। तो फिर से सुने एक बार फटाफट, आज की छोटी सी बात को रिवाइज कराता हूं। सवाल करने के 3 हिस्से में से 3rd हिस्सा था कैलकुलेशन, कॉमन मिस्टेक्स, लैक ऑफ फोकस, लिखने की कम हैबिट, ये अपनी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं। और हम एक और मिस्टेक करते हैं जिसमें हम स्पीड धीरे कर लेते हैं कि हम बार 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 चेक करते हैं। स्पीड बढ़ाने का सबसे बढ़िया विकल्प क्या है? प्रैक्टिस। दूसरा विकल्प, आपको बेसिक फॉर्मूले और टेबल्स ये सब याद होनी चाहिए। बेसिक कैलकुलेशन की शॉर्ट ट्रिक करने के लिए आपको और भी वीडियोस देखने चाहिए। अप्रोक्सीमेशन प्री डिटरमाइंड माइंड में होने चाहिए। आशा करता हूं आज का ये छोटा सा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। मैं फिर से एक और वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें बताऊंगा कि आप अपनी रीडिंग स्पीड कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर एक वीडियो है। स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर एक वीडियो है। क्वेश्चन कैसे पढ़ें, इस पर एक वीडियो है। इन सबको देखिए, लिंक नीचे दिए गए होंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो पक्के से करिए। ऐसा नहीं कोई मेरा उसमें लालच है, पर पक्के से फायदे वाले वीडियोज आपको मिलेंगे। और इतना प्रेम बनाए रखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।